अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एजुकेशन पे बात करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ 45% लिटरेसी रेट फीमेल के अंदर है और 55% लिटरेसी रेट मेल के अंदर है। और लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद, यानी कि समझ ले आप 50% से ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन ऑफ दी पाकिस्तान की 50% पढ़ी लिखी है और 50% अनपढ़ है। वो जो 50% पढ़ी लिखी है उनका मेयार तालीम कैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह के ऊपर चाइल्ड लेबर देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो तालीम से महरूम है। क्या कभी आपने उनके बारे में कोई सोचा है? क्या कभी आपने उनके बारे में कोई स्टेप लिया है? या कभी आपने उनके बारे में कोई ऐसा नेकी का काम करने का या उनको पढ़ाने का कोई ऐसा स्टेप या कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा काम किया है आपने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर? क्या आपने अपने दिल के अंदर कभी ये दर्द महसूस किया है कि वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर रहे उनको भी तालीम दिलवाई जाए? मैंने एक छोटी सी तरकीब सोची है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जस्ट 1 रुपये से एक बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, तो क्या वो आप 1 रुपये देंगे? आप बोलेंगे 1 रुपये के 100 रुपये ले लें, क्योंकि 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। 1 रुपये में तो अब जो स्वीट चॉकलेट और छालियाँ तक भी नहीं आती है। अगर एक टेबल के ऊपर अगर एक बंदा 1 रुपये रख दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 100 बंदे मिलकर अगर 1 रुपये रख दे तो ये 100 रुपये हो जाते हैं। अगर लगातार 1 महीने तक दे तो ये 3000 रुपये हो जाते हैं। और यही सोच लेके हम लोग शुमाला पब्लिक स्कूल के अंदर गए और उन बच्चों को बताया कि आपके 1 रुपये की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप सारे बच्चे मिलकर एक टेबल के ऊपर 1-1 रुपये रखना शुरू कर दें और लगातार हर महीने रखना शुरू कर दें, तो यकीन करें इसकी पावर इतनी है कि 100 बच्चे मिलकर एक बच्चा तो आराम से अपने ही स्कूल के अंदर, कोई और स्कूल के अंदर नहीं, स्पॉन्सर कर सकते। हमने क्या कि एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर हमने चॉकलेट डाली और उस बॉक्स का नाम दिया स्टूडेंट एजुकेशन बॉक्स। उन बच्चों को बोला कि इसमें 1 रुपये डालो और एक चॉकलेट निकाल लो, ताकि एटलीस्ट उन बच्चों में जो है वो देने का जज्बा पैदा हो। और मैं सोच रहा था कि शायद स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों के पास पैसे होते ही नहीं या स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते नहीं। लेकिन वहाँ पर जाकर ऐसा पता चला कि वहाँ तो बच्चे कूद पड़े पैसे डालने के, पर नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स अपने फेलो दोस्तों की हेल्प करेंगे और इस तरीके से और इस तहरीक को हम पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये हमारा एक आइडिया पसंद आया तो काइंडली अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।